और आइए आगे बढ़ते हैं, वक्त उचला है हमारे स्पेशल प्रोग्राम का, दिल्ली डायलॉग का। आपको लेकर चलते हैं सीधे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और देखिए, आज जब हम ये शो कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं, बहुत ऐसे नेशनल इश्यूज हैं जिनका जिक्र आज हम करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि कैसे इंडिया अलायंस लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरता हुआ नजर आ रहा है, और झारखंड में जहां पर जेएमएम की सरकार है, उसी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम उनके सचिव के नौकर से के घर से 25 से 30 करोड़ कैश बरामद किया गया ईडी की कार्रवाई में। इस मुद्दे पर बात करेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से पुंछ अटैक को लेकर सवाल उठा दिया गया। यह कहा गया कि यह बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है, कोई यह आतंकवादी हमला नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है विजय वाटेडीवार, उनकी तरफ से हेमंत करकरे की मौत को लेकर भी, उनकी शहादत को लेकर भी जो बयान दिया गया उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने यह तक कह दिया कि अजमल कसाब ने नहीं मारा हेमंत करकरे को। तमाम मुद्दे होंगे, यहां पर कैसा मुकाबला है इस दिल्ली लोकसभा सीट पर, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करें जो आज बड़े मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं उसके साथ। आप देखिए, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले बता भी दूं, हमारे साथ आज खुद मौजूद हैं मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं एडवोकेट प्रियंका गौतम, वो खुद यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गौतम जी, आप ही से पहला सवाल बनता है मेरा, एक बात बताइए, इंडिया अलायंस के जो नेता है वो तो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते नजर आ रहे हैं, आप ही की सहयोगी है जेएमएम पार्टी और उन्हीं के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके सचिव के नौकर के घर से 25 से 30 करोड़ रुपए कैश मिला है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, जिनके घर पे मिला है उनको कानून देखेगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं वो भी कोर्ट में विचाराधीन है। इल्ज़ाम तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, और हमारी पार्टी का तो कोई नहीं था ना, तो हम उसके बारे में क्या बोले? अन्य पार्टी क्या भाई, सवाल इंडिया अलायंस पर उठा है ना, सवाल इंडिया अलायंस पर, अरविंद केजरीवाल भी, आपकी पार्टी भी उसी का हिस्सा है, वो खुद जेल के अंदर है। देखिए, सवाल इंडिया अलायंस पे उठाए तो उसको जनता देखेगी, अगर ऐसा कुछ मिला है। देखिए, हम लोग गलत चीज के साथ नहीं है, हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की पूर्वी दिल्ली सीट पर। तो मुझे लगता है कि अगर हम पूर्वी दिल्ली के ऊपर बात करें, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी दिल्ली की जनता के वोटर बैठे हुए हैं, हमारे लिए क्या होना, और हमारे लिए बीजेपी ने अब तक दो दो बार सांसद यहाँ पे बीजेपी के रहे हैं, वो क्या करके गए हैं, हमें उन पर चर्चा करना। आऊंगा इस मुद्दे पर भी आऊंगा, आप कुछ बोलना चाहती है जो आज हुआ है? देखो, सेना के सोरे पे हाथ, सबसे पहले आलमगीर आलम वाले मसले पर आप बताइए। ये वहाँ पे चंद महीने पहले वहाँ पे बीजेपी, उसकी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पे कराई क्या है, नोट इकट्ठा करने के अलावा, ये वही पैसा निकल रहा है, चंदा इकट्ठा जो निकल रहा है वही पैसा निकल रहा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देने के लिए, और क्या निकल रहा है वहाँ पे पैसा, वो अभी वहाँ पे जो सरकार थी वो सरकार का पैसा, सारा का सारा पैसा उन्होंने कांग्रेस नेताओं ने अपने घर में इकट्ठा करा और वही पैसा निकला। अभी तो देखना कहाँ कहाँ से निकलेगा। थर्ड फेज का, हाँ बोलिए। बंगारू लक्ष्मण आपके प्रदेश, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, रंगे हाथ आप देश की बात करते हैं, बंगारू लक्ष्मण रंगे हाथ देश की सुरक्षा योजना का जो पैसा था उसके लिए रिश्वत लेते हुए रंगे रात पड़े हुए हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बात बताइए, इंडिया अलायंस के तमाम अलग अलग दल उनके जो नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आज जो बरामदगी हुई है झारखंड में, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक तो एक बहुत छोटी सी कड़ी है, अभी पीछे एक यहाँ तो 300-400 करोड़ रुपए मिला। मैं कह रहा हूँ जितने भी नेता है इन्होंने जो है अपने नौकर, थर्ड फेज के चुनाव से पहले इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, पहले भी असर पड़ रहा है, पूरे भारत में असर पड़ा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपके 400 पार, क्या मैं कह रहा हूँ जितनी जो ये कर रहे हैं ना, हो सकता है 500 पार कर जाए। यहाँ पर बोल रहे हैं भाई, थर्ड फेज का चुनाव हो रहा है, उससे पहले ये जो बरामदगी है इसका असर पड़ेगा इंडिया अलायंस पर, क्या बोलेंगे आप? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, जो मोदी जी कहते थे ना कि महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, 3500 महिलाओं का रेप प्रज्वल रमल्ला ने किया, उनको मोदी जी ने, इनके सरकार ने, नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, मैंने सवाल पूछा जो झारखंड की बरामदगी है थर्ड फेज के चुनाव से पहले, क्या इसका असर पड़ेगा? ये बात मीडिया क्यों दबा रही है, जब महिला हक की बात चल रही मीडिया दबाने का काम कर रही है, मीडिया उस बात, आप क्या बोल रहे हैं,
मोदी अडानी चोर है, क्या करा 5 साल के अंदर? क्या बोल रहे हैं? मोदी अडानी चोर है भाई भाई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसे ही लगा रहे हैं। उनके सारे पकड़े जाते हैं, बीजेपी में पकड़े जाते हैं, हमारे कोई कुछ नहीं निकला कुछ। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? किसके विषय में? नहीं नहीं, एक तो एक सेकेंड, आप अपनी बातों को रखें, थोड़ा संयमित होकर अपनी बात को रखें। आपको मुद्दे उठाइए आप लोग, लेकिन थोड़ा संयमित होकर इस मंच पर अपनी बातों को उठाइए, ठीक है? अब आप बोलिए, देखिए मुद्दा यहाँ पर नहीं, ये सारा जो इंडिया गठबंधन है भ्रष्टाचार का गठबंधन है। आप आम आदमी को देखिए कैसे लोगों का अन्ना हजारे को यूज करके दिल्ली में सत्ता में आई और स्वराज का जिंदा देके दिखाया है, लेकिन लास्ट में जाके कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, जिनके खिलाफ इनके पास में सबूत होते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है इनकी? आप अपने घर बार में जाके देखे क्या ये है? एक बड़ा गंभीर मुद्दा, और लोगों के पास भी आऊंगा, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसी के साथ आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, जिसके खिलाफ आंदोलन चलाया। आज की डेट में कम से कम कई 20 से 25 लोग बीजेपी पार्टी, अरे वो जो 20 से 25 भ्रष्टाचारी हैं जो बीजेपी के अंदर हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं और रेपिस्ट भी हैं, और यहाँ तक कि खुद मोदी जी की सरकार में महिलाओं का शोषण हो रहा है भारत के अंदर, ये खुलेआम है। खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है, हमारे खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे थे, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है पार्टी। आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी की पार्टी देश में ठीक है? मोदी जी की पार्टी देश के अंदर तानाशाही शासन मचा रखा है, तानाशाही, और सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी यही है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, और पहली सरकार उन्हीं के साथ गठबंधन करके बनाई उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली में आऊंगा तो भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। उन्होंने कहा था कि इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कुर्सी में नहीं है, एक सेकेंड, नारेबाजी नहीं, एक सेकेंड, नारेबाजी नहीं।